कहानी वही है, बस किरदार बदल रहा है, लोग वही हैं, बस व्यवहार बदल रहा है। अव चला चली भैया गंगा की ओर, चला चली गांव में बरगद की छाँव में। आइए देखिए मित्रों, हम तो यूं ही चलते चलते इधर यह रास्ता है और बरगद देखे तो बट वृक्ष जिसको कहा जाता है, तो यूं ही ठहर गए। और वास्तव में यह पत्थर की चट्टाने बड़ी बड़ी देखिए, और इसी पर बैठा तो बड़ा ही अच्छा लगा। और यह बट वृक्ष देखिए, वास्तव में बहुत ही लंबी आयु इसकी होती है, 200 से 500 साल इसकी आयु होती है। और ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष बहुत ही सुंदर लगता है। सबसे सुंदर छांव यदि मैं कहूँ तो बट वृक्ष की होती है। और यह ऐसा वृक्ष जिसमें देव, इसमें भगवान बसते हैं। आप नीचे जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जड़ में और तने में विष्णु, और इसके पत्तियों में और भगवान शंकर विराजमान करते हैं। इसकी जटाओं में देवी विराजमान करती हैं, बसती हैं। तो इस तरीके से इसकी धार्मिक मान्यता भी है और वैज्ञानिक मान्यता भी है बट वृक्ष की, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यूं ही मित्रों, मैंने सोचा कि आपको आज बट वृक्ष का यह छोटा सा वीडियो, और वास्तव में अभी इस तरीके से कहा जाए तो यह बट वृक्ष का बचपना है, और अभी यह युवा होगा, फिर यह बूढ़ा होगा। लेकिन बूढ़े बट वृक्ष, वास्तव में बट वृक्ष यदि काटा न जाए तो लगभग लगभग मैं जानता हूँ कि अभी एक बट वृक्ष जैसा आप जानते भी होंगी कलकत्ता में पाया गया है, जिसकी उम्र लगभग 500 साल आकी गई है। तो इस तरीके से बट वृक्ष की बहुत लंबी आयु होती है। तो चलते चलते मित्रों, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धर्मेंद्र सिंह का सादर नमस्कार।